हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। उम्मे सलमा व्लॉग में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। फ्रेंड्स, होली आ रही है तो होली स्पेशल कुछ होना चाहिए, तो क्यों ना हम गुजिया बनाते हैं जो ट्रेडिशनल है, जो होली पे सबके घरों में बनती है। आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग गुजिया बनाते हैं, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए रेसिपी अपनी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले ये एक चम्मच घी लिया है। इस घी में ये मेरे पास जो ड्राई फ्रूट है काजू बादाम, इसको रोस्ट कर लेते हैं अच्छा सा। धीमी धीमी आंच पे, इसको ब्राउन नहीं होने देंगे लेकिन इसमें थोड़ा क्रंच आ जाए, इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। काट के इसलिए नहीं रोस्ट करते कि उसके बाद फ्राई पैन और जो उसमें घी होता है वो बिल्कुल खराब हो जाता है। ऐसे इसको रोस्ट करके निकाल लेंगे, फिर उसके बाद इसको क्रश करेंगे। यहाँ पर ये मेरे देखिए ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं, इसको अब हम निकाल लेते हैं अपनी प्लेट में। ड्राई फ्रूट निकालने के बाद ये मेरे पास बारीक वाली सूजी है, इस सूजी को इसी पैन में डाल करके हम धीमी धीमी आंच पे रोस्ट करेंगे, बिल्कुल ही पेशेंस के साथ, बहुत धीमी धीमी आंच पे, कि इसका सोंधा होने तक इसको रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये सूजी थोड़ी सी भुन गई है, देखिए हल्की हल्की ब्राउन होने लगी है, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर इसको बहुत अच्छे से ब्राउन कर रहे हैं। उसके बाद इसी में ये मेरे पास थोड़ा सा नारियल है, जो गोला नारियल था उसी को मैंने कद्दूकस कर लिया है, और आपके पास ना हो तो नारियल का बुरादा, जो डेसिकेटेड नारियल होता है, वो भी डाल सकते हैं। तो इसी सूजी में डाल दिया हमने अपना नारियल भी। नारियल धीरे धीरे भुन रहा है सूजी के साथ, बहुत अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है नारियल की पूरी, बहुत ही अच्छी। ऑलमोस्ट हमारा हो गया है, इसको चलिए हम किसी प्लेट में निकाल लेते हैं, सूजी और नारियल इसको भी निकाल लेते हैं। इसमें अपने इसी पैन में हम डालते हैं थोड़ा सा ये दूध डालते हैं, और ये हमारे पास तकरीबन 250 ग्राम खोया है, इस अपने खोए को भी इसी में डाल के अच्छा सा भून लेते हैं। खोया अगर आप ऐसे ही डाल देंगे तो उसको जल जाता है, फ्राई पैन गर्म होता है, हल्का सा दूध डाल करके और खोए को अच्छा सा भून लेते हैं। चलें खोए को भी खूब अच्छे से भून लेते हैं इसी में धीमी धीमी आंच पे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको भी हम खूब अच्छे से मेल्ट करके और धीमी आंच पे भून लेंगे, तो बहुत अच्छा से जब भून जाएगा, इसको भून लेने से इसकी थोड़ी सी लाइफ भी बढ़ जाती है, थोड़ा कच्चापन भी सही हो जाता है। खोए की गुजिया बहुत ही टेस्टी होती है, आप उसमें खोया, आप सूजी ना भी डालिए, सिर्फ खोए की बनाइए, बहुत मज़ेदार लगती है। फ्रेंड्स, वक्त के साथ इंसान की बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं। पहले बहुत मुश्किल होता था ड्राई फ्रूट्स को काटना, अब ये एक गैजेट आया है जो ड्राई फ्रूट्स को क्रश करता है, इसको मैंने मंगाया है उससे, मीशो से। आज पहली दफ़ा यूज़ करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, अगर सक्सेस हुआ तब तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ड्राई फ्रूट जब ईद में सेवैयां बनाओ, कुछ बनाओ, ड्राई फ्रूट्स काटो तो ये अंगूठे पूरे कट जाते थे, पूरे अंगूठे चाकू से कट जाए। तो अब ये है, देखते हैं कि कैसे यूज़ होता है, कैसे इसमें काम चलता है। तो चलिए, तो ये मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको मैं इसमें डाल देती हूँ, बिस्मिल्लाह। चलिए ये ऐसे, ओह वाओ, ये तो बहुत ज़बरदस्त है, ठीक, बहुत अच्छा, सक्सेस है, सही है। ये देखें कि कितना क्रश करके कितना आराम से निकल रहा है, ये इस तरह से इसको निकालना तो काफ़ी आसान हो गया है भाई। फ्रेंड्स, ये हमारा खोया इसमें पक रहा है, इसी जब पकते हुए खोए में ही अब हम डाल देते हैं जो हमने अपनी सूजी और नारियल को भून के रखा था, वो इसी खोए के साथ मिला देते हैं। और यहाँ पे जो मैंने ड्राई फ्रूट्स अपने काट के रखे हैं वो मिला देते हैं इसमें, चूल्हा कर देते हैं बंद। अब चूल्हा बंद करने के बाद इस पॉइंट पे इसमें अब हम मिलाते हैं चीनी, ये हमारे पास पिसी हुई चीनी है, एक कप चीनी इसमें हम मिला देते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से, आपको ज्यादा मीठा पसंद है ज्यादा डालिए, कम पसंद है चीनी का बुरादा है, इसको मिक्सी में पीस लिया था, एक कप चीनी डाल देते हैं इसमें। और ये ख्याल करिएगा कि इसके आंच बंद है, ये इसी की गर्माहट में इसमें आपस में मिल जाएगा। अब इन सारी चीजों को तो अच्छे से हम इसमें मिला देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद चलते हैं अपने आटा लगाते हैं, आटा तैयार करते हैं। जब तक ये हमारा मिक्सचर ठंडा होगा उतनी देर में हम आटा गूंथ लेंगे।
सब बहुत अच्छा से मिल गया है। अब हम तकरीबन ये आधा किलो मैदा ले रहे हैं, जिसको छन्नी से खूब अच्छे छान के निकाल के अब इसकी गुजिया का बैटर तैयार करते हैं। और दो बड़े चम्मच इसमें डालते हैं घी। ये देखें, घी ऐसा होना चाहिए ना मेल्ट हो ना बहुत जमा हो, दानेदार घी अपना, ये मेरा देसी घी है, इसको डालते हैं। आप चाहें तो रिफाइन से भी इसको मोइन कर सकते हैं। अब इसमें डालते हैं ये एक चौथाई नमक। पहले ये सूखे आटे में ही घी को खूब अच्छा सा हम मोइन लगा देंगे इसको कुछ देर तक, बहुत अच्छा सा सारे आटे में प्रॉपर घी हो जाए। इस तरह को आटे को ऐसे ऐसे मलमल के खूब अच्छे से मोइन लगाते हैं। ये ऐसे जब इसको दोनों हाथों से अपने खूब अच्छा से जब ऐसे मलते हैं तो ये बिल्कुल खस्ता हो जाता है, जिसको खस्ता कहते हैं। खस्ता हो गया है हमारा आटा। इसकी पहचान ये है कि आप इसको ऐसे मुट्ठी में लीजिए, इसको खोलिए तो ये देखिए ऐसे बंधा बंधा दिख रहा है, तो इसके माने ये है कि आपका आटा खस्ता हो गया। इसमें फ्रेंड्स पानी बहुत कम जाएगा। अब हम इसको लगाते हैं अपने आटे को, बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के, क्योंकि इसे पानी ज़्यादा नहीं लगेगा, बिल्कुल ज़रा ज़रा सा पानी डाल के आप इसको गूंध लें। इसका सख्त आटा लगता है। ये आटा तकरीबन फ्रेंड्स हमारा गूंध गया है। इस आटे को इतने, मेरे इस कप से 3 कप मैदा था, उसमें 1 कप ये पानी लगा है। ये ज़रा सा पानी अभी बचा है तो इसको हल्का सा लगा के, ये बस 1 कप पानी बचा था, इसको भी गूंध देते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही ढक के छोड़ देते हैं। अब ये थोड़ा सा ले करके आटा, इसको खूब अच्छा सा ऐसा रोल करते हैं। इसको रोल करके इसके पेड़े काटेंगे। फिर इसके हम छोटे छोटे पेड़े काटते हैं। इसको मैदा डस्ट करके इसको ले लेंगे। आप अपने मोल्ड के हिसाब से, आपका मोल्ड कितना बड़ा है, आप इतना बड़ा इसको बेल लें। ये हम नाप लेते हैं, हमारे पास मोल्ड है, इसको नापते हैं कि ये आता है सही कि नहीं। ये देखें, ये हमारा मोल्ड सही है, इसके नाप का है, तो ऐसी इतनी बड़ी बड़ी हम बेल लेंगे। ये है कि आप इसको पहले पूरा बड़ा सा बेल दें और उसके बाद इसको काट दें, ये दूसरी ट्रिक है। इतना बड़ा आना चाहिए, तो इसके लिए ये जो पैकिंग वाले डिब्बे आते हैं जिसमें कभी रसगुल्ले वगैरह आते हैं, उसी का ढक्कन है, इसी के बराबर, देखिए इसके बराबर है, इसी से अब हम इसको काट लेते हैं। एक कटा, ये देखिए मेरे ये कट गए हैं, कितने आसानी से कट गए इस तरह से। आप इसको इस तरह से काट करके पूरी भी बना सकते हैं, पूरी के लिए भी यूज कर सकते हैं। और मैंने ये बनाया, अब ये देखिए ये मेरे इसके ऊपर ही बहुत आसानी से आ जाएंगे ये। अब इसको मैं भर लूंगी, इसमें आसानी से आ गए। ये अपना जो ये कटिंग है इसको हटा देते हैं, इसको बाद में बेल देंगे। ये भी मेरे पास और है ये आटा, इसको भी 2 टुकड़े में करते हैं, आधा बेलते हैं आधा रख देते हैं। ये मेरी गुजिया बनके लास्ट भी तैयार हो गई। ये देखिए फ्रेंड्स, ये निकली है। तो फ्रेंड यहाँ पर ये इतनी गुजिया बनके हमारी तैयार हो गई हैं। चलिए अब इनको तलते हैं और देखते हैं ये कैसी होती है। यहाँ पे चढ़ा दिया है तेल और अपनी गुजिया को एक एक करके अब इसमें हम तलते हैं।
फ्रेंड्स, जब ये बहुत अच्छी सी क्रिस्प होती है तो ये देखिए फूल फूल के ऊपर आ जाती है। ये देखिए कितना गोल्डन कलर, कितना खूबसूरत कलर इसका आया है। ये देखिए ये एक साइड हो गई हमारी, अब इसको दूसरे साइड टर्न कर लेते हैं। ये जब बहुत अच्छी सी मोयन होता है तब ये बिल्कुल फूल जाती है। देखिए ऊपर ये तैर रही है फूल फूल के। चलिए इसको हम निकालते हैं। ये क्रिस्पी बनी हुई है। फ्रेंड्स, ये गुजिया मेरी बनके तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी जरा भी पसंद आई हो तो इसको प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।